सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के श्रीनगर कॉलोनी के पास स्थित मोती गार्डन में, जहां पर आज हमें इनवाइट किया गया है एक शादी में, जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे चैनल को दर्शक भी हैं। तो आज जिस प्रकार से यहाँ पर एक बुद्धिस्ट कल्चर के रूप में यहाँ पर एक शादी संपन्न होगी, उसको आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो बुद्धिस्ट इवेंट आपको लगा हुआ है यहाँ पर, उसको भी आपको दिखाएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे जिनके यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, और जो इवेंट जो चल रहा है उनसे भी मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस गार्डन के डेकोरेशन को आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये गेट है, पर लाइट हल्की है, पर गेट पर आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चित्र लगे हुए हैं। और किस प्रकार से जो डेकोरेशन है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा शादी विवाह संपन्न होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे देश के महापुरुष और राजा की यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान बुद्ध, और आप देख सकते हैं ये शानदार डेकोरेशन। मैंने शायद मैं आगरा में पहली बार ऐसी डेकोरेशन देखी है यहाँ पर, और इतनी शानदार तथागत बुद्ध की स्टैचू, और भी यहाँ पर जो हमारे देश के महापुरुष और राजा जो कि गरीबों के लिए हमेशा कार्य करते रहे। और आपको दिखा सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, काशीराम साहब, सरदार भगत सिंह, जो कि भारत देश के संत गुरु और राजा, जिन्होंने अपने देश की खातिर, अपने देश के नागरिकों की खातिर अपने कार्य किए, शिक्षा के अग्रदूत महामानव ज्योतिराव फूले जी। और ये आप देख सकते हैं स्टेज है, यहाँ पर आज बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा जो विवाह संपन्न होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। बहुत शानदार डेकोरेशन आप देख सकते हैं, ये सारा सामान अपनी बेटी की शादी में गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं काशीराम साहब, जो कि भारत देश में जो वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको राजनीति का दरवाज़ा खुला, संत कबीरदास जी, माता सावित्रीबाई फूले, ऐसी डेकोरेशन मैंने आगरा में पहली बार देखी है, इसलिए मैं आपको भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। कैरियर ई रामस्वामी, और आप देख सकते हैं ये हमारे देश के सबसे पहले सम्राट, सम्राट अशोक, माता अहिल्याबाई होलकर जी, हमारे देश के जितने भी संत गुरु राजा महाराजा जिन्होंने हमेशा वंचितों के लिए पाखंडबंदियों से संघर्ष करके हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए योगदान दिया है। और बहुत ही शानदार, तो हम तो दर्शकों जो आपने डेकोरेशन यहाँ पर देखी है उसको इवेंट मैनेजमेंट से आपको मिलवाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे साथ जो खड़े हैं
शशांक बौद्ध जी, ये भी हमारे परिचित हैं और इनसे ही पूछते हैं कि सर सर जो डेकोरेशन है वो आपके द्वारा की गई है यहाँ पर। जी धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को सादर जय भीम, नमोबुद्धाय। जी ये डेकोरेशन जो काम है ये सब आपके द्वारा है, मंगलम पढ़ने डेकोरेशन से हमारा इवेंट है और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग सांस्कृतिक विरासत, जो भगवान बुद्ध की सांस्कृतिक विरासत है, बाबा साहब की सांस्कृतिक विरासत है, उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसमें सारी महापुरुषों की तस्वीरें हैं। इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने हमारे जीवन संवारने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सब महापुरुषों की तस्वीरें हैं, जिससे कि हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, बूढ़े बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब उन्हें महापुरुषों को देखें, उनको देख करके याद करें, याद करके उनको नमन करें। और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएँ, तस्वीरें हम लोगों ने इसलिए लगाई ताकि हम चाहते हैं कि बहुजन समाज अपनी विरासत को आगे लेके जाए, अपने बहुजन कल्चर को आगे लेके जाए। जो जो आपने बुद्धिस्ट कल्चर का ये डेकोरेट किया है जी, तो यही वर्ग है या कुछ और वर्ग है आपका? हम लोग सारे काम करते हैं, ये हमने अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारा मंगलम पढ़ने डेकोरेशन है जिसमें हम। अच्छा अपना नंबर और बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 9528681347, 9528681347, शशांक बौद्ध, मधुनगर, गोपालपुर, आगरा। तो दर्शकों अगर आप आगरा या आसपास के ज़िलों में आपको बुद्धिस्ट कल्चर के डेकोरेट चाहिए तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको इनका नंबर सेंड कर देंगे। और जो ये कार्यक्रम जिनके यहाँ पर चल रहा है उनसे भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं ये जो हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे मित्र हैं, सभी को जय भीम। इनके द्वारा जी आज का जो मंगल विवाह संपन्न होने जा रहा है, आप बता सकते हैं जो आज डेकोरेशन हम देख के दंग रह गए आगरा में। मैंने मतलब हो सकता है और भी डेकोरेट होते होंगे ऐसे, पर मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। तो क्या सोच के आपने ऐसे डेकोरेट किया? ये हमने ये सोच के दिया था कि ये शादी समारोह जो होते हैं उसमें हमारे समाज के, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग आते हैं। तो हमारा मानना था कि जब महापुरुषों की विचारधारा को वो देखेंगे, समझेंगे, तो फिर वो आगे इससे प्रेरणा लेंगे और अपने इनके बारे में जानकारी लेंगे। इस सोच के हमने एक तरह से बहुजन विचारधारा का प्रचार करने का ये माध्यम है हमारा। सर कैसी लग रही है यहाँ की? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ का जो है अपने समाज के लोगों का ये डेकोरेशन हमेशा इसी तरीके से होना चाहिए। और ये जो सत्यप्रकाश जी ने जो इसका जो प्रोग्राम किया है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का जो है प्रतीत हो रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दर्शकों बारात आ चुकी है, दूल्हा आ चुका है और प्रारंभ होने वाली है बुद्धिस्ट विवाह कार्यक्रम। और इस प्रकार से बंदे जी भी आ चुके हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं जो कि बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा जो विवाह संपन्न होने जा रहा है उसकी तैयारी चल रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से ये बुद्धिस्ट कल्चर के द्वारा ये शादी प्रारंभ होने जा रही है। आप देख सकते हैं हम भारत देश के महापुरुष और भगवान बुद्ध और ये बाबा साहब सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और इस प्रकार से ये आज का विवाह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। गच्छामि।
धम्म शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। मैं पहली पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मानित कराऊँगा। मैं दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा। बेटियों थोड़ा सुन लो, आपस में बात नहीं कर रही है, तुम थोड़ा सुन लो, कम से कम माँ कहोगी कि कैसे क्या। हाँ अपनी बातों में नहीं। दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा, न दूसरों से अपमानित होने दूँगा। मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, अपना पति धर्म निभाते हुए अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनकर रहूँगा, कभी भी किसी प्रकार का अनाचार व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने माता पिता घर के सभी बुजुर्गों को देखते हुए अपनी पत्नी का भी ध्यान रखूँगा। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी सम्यक कमाई से धन कमाकर अपनी पत्नी को संतुष्ट रखूँगा, जैसे जेवर कपड़ा अपनी हस्ती के हिसाब से। मैं अपनी पत्नी को हमेशा संतुष्ट रखूँगा। मैं तीसरी बार फिर से इन प्रतिज्ञाओं को दोहराता हूँ और वचन देता हूँ, इन प्रतिज्ञाओं पर मैं पूरे जीवन चलूँगा और किसी को शिकायत का अवसर नहीं दूँगा। साधु साधु साधु। प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने पति का सदा सम्मान करूँगी और दूसरों से भी सम्मानित कराऊँगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने पति का भूल से भी अपमान नहीं करूँगी, न दूसरों से अपमानित होने दूँगी। मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहूँगी, किसी प्रकार का अनाचार नहीं करूँगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने सास ससुर घर के सभी बुजुर्गों का घर के सभी कामों को करते हुए किसी को शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। मैं पांचवी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने पति की धन दौलत जमीन जायदाद जो भी है, मैं उसकी चोरों से ठगों से सुरक्षा करूंगी। और क्यों अपने पति की संपत्ति की रक्षा पत्नी का धर्म होता है? ये वो हिंदू धर्म तो है नहीं, चाई माई और माँ के माई फेरा फेर भी, इसमें सही कुछ कहा जाता है, पति की संपत्ति की रक्षा पत्नी का धर्म है। मैं चोर ठगों से उस संपत्ति की सुरक्षा करूंगी, कभी भी उसे बेअर्थ में नष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे ससुराल में जो भी काम होगा मैं उसमें पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता प्रस्तुत करूंगी। मैं तीसरी बार फिर से इन प्रतिज्ञाओं को
दोहराती हूँ और सुखी होंतु सभ्य होंतु चखे मिनो सभ्य भद्राणि पसंतु पसंतु मा किंच दुख मागमा साधु 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 साधु। आपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया, बरबजी सुखी हो, संपन्न हो, निरोग रहे और सारे संसार के लिए कल्याण, सारा संसार सुखी हो। आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।